और बॉलीवुड क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नौ श्री 1 2 4 उठिए उठिए हो चुकी है चल। पाय लगो भैया। अरे पाय लगने का मतलब ये होता है कि बड़ों की आज्ञाओं का पालन करना, उनके आदर्शों को मानना बेटे। अरे अभी सुबह सुबह ये रामायण मत शुरू कर देना भैया। रामायण से नाराज हैं आप? नाराज तो नहीं है, मगर आजकल जमाना रावणों का है, राम का नहीं। अच्छा जैसे? अरे जैसे विशंबर और भानु। साले कहाँ है वो और कहाँ है हम? वक्त वक्त की बात है बिटवा। वक्त तो हमारा आएगा भैया, हमारा आएगा जाएगा कहाँ। जानते लोग क्या कहते हैं? क्या? अगर मैं आपकी जगह पुलिस अफसर होता और ये सोने की खान जैसी पुलिस चौकी मेरे कब्जे में होती तो बिशंबर और भानु जैसे सेठियों की तिजोरी की चाबी मेरे जेब में होती। अरे यार वो डीएसपी का बंगला देखा, वो शर्मा जी का बंगला देखा, क्या बंगला है यार, क्या बंगला है। उनके लिए जो हथकड़ियां बन रही है वो भी देखी आपने? अरे वो जब पहनेगा तो देखा जाएगा, सारा बंगला तो बन गया ना, बंगला तो बन गया। तो बंगला बनाने की तैयारी में आप? हमारी तकदीर में कहां बंगला, हमारी तो सारी नौकरी भी नहीं। बटवा जब नौकरी नहीं है तो ये 600 रुपए कहां से आए? तुम्हारे पर्स में मिले हैं ये? ये जो कल जो मैंने नाच गाना किया था ना, उसके चंदे के हैं। अपने भाई की कसम खाकर बोलिए पैसे चंदे के हैं। भैया मैंने आपसे कितनी बार कहा कि ये सर पर हाथ रखकर मुझे धर्म संकट में मत डालो। बात ये है कि ये पैसे चंदे के नहीं है। तो फिर किसे लिए? ये लिए नहीं दिए। किसने? जीवा ट्रांसपोर्ट वाले ने। मां से कहूं? बिल्कुल नहीं। छापड़ मारो। मारो। राम भगत तुम मन क्रम बानी। काशीराम वो आ गया। भूत पकड़ बुने ब्रज बर। लखन के आते ही आपके मुड़ 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 मंत्र क्यों शुरू हो जाते हैं? चेहरा लाल, छाती नीली, हाथ पीले हो जाते हैं, बात क्या है? काशीराम काम कर, काम कर। अति लुत की बात है। कहाँ सेठ जी, सवेरे से हाथ में पकड़े बैठा हूँ, कोई ग्राहक नहीं आया, सिर्फ लखन आया है। राम राम काका जी, राम 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 राम। सुने राम सेठ जी की पूजा चल रही है। पूजा? और इस वक्त वो तुम्हारे आत्रीन की पूजा शुरू हो जाती है। काशीराम। जय जय राम। राधा नहीं है? जाओ। मैं राधा से मिलने नहीं आया हूं काका, मैं शाकाहारी अंडे खरीदने आया हूं तुमसे। अंडे? तने मालूम है ना कि यहाँ अंडे मांस मछली की बात करना भी पाप है। शाकाहारी अंडे ये कैसे होते हैं लखन भैया? दिखाऊं? दिखाओ। ऐसे। पीछे रखो। तू राम के नाम पर और हिंदू समाज के नाम पर एक धब्बा है, एक अंडा है। काशीराम। जय जय राम। कलमू ही तन्ने में कितनी बार बोला है कि खिड़की बंद रखा कर, खिड़की बंद रखनी तो जान से मार दूंगा। जब मैं नरम हूं तो बहुत नरम हूं, जब गर्म हूं तो आग भी कापे है मुझसे आ जाते हैं ससुरे। राम भगत तुम मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारी। कम हो गया। मैं आपसे बोल रहा था सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। अरे ससुरी के सेठ जी की जगह अंडा अंडा नहीं बोल सकता था क्या? आपने ही तो बोलना था, इसका नाम लेना भी पाप है। अयो क्या हुआ काका? सेठ जी अंडों पर बैठे हैं। अंडों पर बैठे? सेठ जी मुर्गी है क्या? सेठ जी अंडा भारी है ना कई। काशीराम। जय जय राम। मेरा मतलब है कि उठिए देखिए तो सही अंडों की दशा क्या है। अरे दशा क्या, अंडा तो टूट गया होगा। जाइए सेठ जी धो के आइए, धोती अपनी जाइए नहा लीजिए। जाइए सेठ जी जाइए, कहीं बैठे बैठे अंडों में से मुर्गी के बच्चे निकल आए ना तो भीड़ लग जाएगी, लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे आपके बारे में। काशीराम
जरा देखना मेरे पीछे अंडा तो नहीं लगा हुआ। अंडा तो नहीं है सेठ जी, पर पीले रंग का झंडा दिख रहा है। तन्ने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, तन्ने ठीक नहीं किया, मैं तन्ने देख लूंगा बोल। देवधर काका, क्या हो गया? अरे भैया कुछ नहीं हुआ, क्यों भीड़ लगा रहे हो? ऐसा तो होता है। अरे भाई इंसान कभी कभी ज्यादा खा लेता है और उसका पेट खराब हो जाता है और फिर वो धोती में भी कर देता है। आदमी तमाशा लगाने की क्या जरूरत है, जाओ जाओ अपने घर जाओ। जाइए जाइए सेठ जी, मैं दुकान संभाल लूंगा, आप इतने में ये संभालो। अरे तुम लोग जाते क्यों नहीं? अरे सेठ जी अभी ऊपर जाएंगे, अपनी धोती धोएंगे, नई धोती पहनेंगे, ऐसा सब करते है, तुम करते हो। शाकाहारी अंडे। क्या हो गया बाबू, आते ही ठंडे पानी से नहाने लग गए? कम से कम पानी तो गर्म करने दिया होता। बाढ़ में गयो गर्म पानी, याद आ रही मन्ने नानी, धोती ला धोती ला। ला रही हूँ बापू। माय नेम इज लखन। तुम ऐसे जाओ नहीं तो बापू मुझे मारेंगे। जाने के लिए नहीं, हम आने के लिए आए। तुम यहाँ से जाओ लखन, नहीं तो बापू मुझे बहुत मारेंगे। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती लखन? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चूड़िया। मैं पहना, अच्छी है ना? बहुत। लखन तुम्हें मालूम है उस दिन मैं तुम्हें मिलने आई थी ना, तो मेरे बापू ने मुझे बहुत मारा। देखो तेरे बाप को तो मैं एक दिन उल्टा लटका दूंगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी और मेरी शादी नहीं होने देंगे। अरे कैसे नहीं होने देंगे, उसका बाप भी होने देगा। तौलिया, अरे तौलिया तैयार रख, तौलिया तैयार रख, मारो तो धर्म भ्रष्ट। तेरे बापू को एक जादू दिखाऊं? जादू? देख अभी वो रो रहा है ना, हाँ? एकदम हंसने लग जाएगा। हंसने लग जाएंगे कैसे? ऐसे। कौन है, कौन है बे? लखन की तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, ससुरी के को छोड़ूंगा नहीं, जेल भिजवा के छोड़ूंगा। बापू हंसने लग गए। बड़ा प्यारा बच्चा है तू, है बचपन से शरारतों की तेरी आदत नहीं गई। क्या जादू? अच्छा ये बता, ये प्यारी प्यारी हरकतें तू कब छोड़ेगा? जब तुम अपनी गंदी गंदी हरकतें करना छोड़ दोगे। काशीराम ये असली है कि नकली है? पास जाके देख लो, काटेगा तो पता लग ही जावेगा। अरे काका ये इच्छाधारी नाग है और आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखता है। क्या पूछना चाहते हैं नागराज जी? ये पूछना चाहता है कि तुम कभी राधा को ताले में बंद रखोगे? कभी नहीं। उसे कभी पीटोगे? कभी नहीं। कभी लखन को राधा से मिलने से रोकोगे? कभी कभी। कभी नहीं, कभी नहीं। लखन, लखन माजी आई है। जादू खत्म, जादू खत्म, जादू खत्म। अब बताता हूँ थारी माँ को। क्या? अगर तुमने कभी मेरी माँ से शिकायत की तो हमारे पास एक दूसरा किस्म का भी जादू है जिससे हम इंसान से कबूतर बना देंगे तुम्हें, समझा देना इन्हें। मन्ने कबूतर बनाएगा, मन्ने कबूतर बनाएगा, मन्ने कबूतर बनाएगा। सेठ जी पंगा मत लो, पंगा मत लो। काशीराम पंगा मत लो, आपको नहीं पता लखन और उसके दोस्त बहुत सारी जादुई चीजें जानते हैं। राम कसम इन दोनों के दोनों ने आपको इंसान से मुर्गी बना दिया ना, तो फिर मन्ने आपकी दुकान में आपके दिए हुए अंडे बेचने पड़ेंगे। काशीराम जय जय राम। ये अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है, जरा घोड़ा धीरे चला माधव साहब, ना जाने वो कहाँ चला गया, ना जाने दीदी ने क्या खा के पैदा किया है कमबख्त को। कम ऑन हॉर्सी डार्लिंग, स्लो 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 स्लो। इंडिया इज ग्रेट, समुंदर में मोती।
देवू, ठाकुर विशंबर नाथ का बेटा देवू फ्रॉम अमेरिका। लखन कौन है? तुम कौन? लखन प्रताप सिंह। ओ, उसी चुड़ैल का बेटा जिसे डैडी ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। चोरी की थी ना उसने? आराम से। को भी पता नहीं चल सकता। एक निहत्ते डाकू पर वार नहीं करते शेरदिल इंसान। और कौन है तू? महापुरुष, मैं सुल्ताना का पोता हूं। मेरे पीछे लगी है पुलिस। सुल्ताना का पोता बैडमैन? बैडमैन नहीं, गुड मैन। यानी तुम पुलिस? अपनी प्राइवेट पुलिस। तुम राम का भाई लखन? चलो पुलिस स्टेशन। नो गुड मैन। क्या केसर ये बिलायती पकड़ा गया लखन ने? Are you sure? वाह भाई लखन, तुमने तो कमाल कर दिया। जो काम हमारी सारी पुलिस फोर्स 10 दिन में नहीं कर सकी, तुमने 8 घंटे में कर दिया। दरअसल बात यह है सर कि आपकी पुलिस फोर्स कुछ सुस्त होती जा रही है। अगर एक अफसर थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा जोखम,
ये सब मिलाकर आगे बढ़े तो ये मुजरिम क्या चीज है? अरे ये सब केसरी बिलायती वगैरह ऐसे मुजरिम है जो हम लोग रोज पकड़ते हैं। द पॉइंट इज यू नीड कॉन्फिडेंस एंड नॉट क्वालिफिकेशन। द कंट्री इज रनिंग थ्रू अ वेरी बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। द क्रिमिनल्स आर रनिंग, द पुलिस आर रनिंग एंड रनिंग रनिंग नो कैचिंग सर। दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज वेरी बैड फॉर द कंट्री। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट इमेजिनेशन, नॉट कॉन्सेंट्रेशन, बट कॉन्फिडेंस। एम आई रॉन्ग? नो नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लखन, तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी बहादुरी को देख के एक ख्याल आ रहा है, तुम हमारी पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? सर, यही तो मेरा सपना था सर, कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट की सेवा करूं, देश की सेवा करूं। मगर मेरा भाई है ना सर राम, उसे तो मुझ पर विश्वास ही नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूं। अगर मैं उससे कहूं कि मैं पुलिस अफसर बनना चाहता हूं तो वो कहेगा नो यू कांट। अरे भाई, मेरे में भी कुछ बात है, आफ्टर ऑल माय नेम इज आल्सो लखन यार। आई हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन यू। मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास है और आज ही मैं अपने स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स के लिए तुम्हारा नाम रेकमेंड करता हूं। तुम घर जाओ और फौरन तैयार हो जाओ। सर, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? तो मैं वहां को जाकर बता दूं कि मैं पुलिस अफसर बन गया? बन गया नहीं, बन जाओगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी आपसे मेरे बारे में वही कहेंगे जो मैं आपसे कह चुका हूँ। अरे भैया, आप खाना खाया? अरे कैसे खा लेता भैया आपके बिना, भूख तो लग रही थी, सोचा डफली बजा लूं। अभी खाना गर्म करके लाता हूँ। आ बैठ, बैठ यहाँ। जब तू पैदा हुआ था ना, तो मैंने गांव में जा जाकर चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहा था, मेरा भाई आया है, मेरा लखन आया है, मेरा लखन आया है। हाँ, माँ ने बताया था मुझे। तो माँ ने तुझे ये भी बताया होगा कि पिताजी ने हमारा नाम राम लखन क्यों रखा? राक्षसों का नाश करने के लिए। श्री राम और श्री लक्ष्मण के आदर्शों पर चलने के लिए। ओ भैया, ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल रामायण सिर्फ एक पुरानी किताब है, एक ड्रामा है, एक टीवी सीरियल है, जो देखने में अच्छा लगता है मगर करने में बहुत फर्क है। आजकल जमाना बिल्कुल बदल चुका है भैया। जमाना हमेशा बदलता रहा है लखन, और हमेशा बदलता रहेगा। लेकिन हजारों सालों से चली आ रही रामायण की बातें और आदर्शों को 70-80 साल जीने वाला इंसान न कभी बदल सका है और न कभी बदल सकेगा। तुम और मैं तो कुछ भी नहीं। आपकी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही? मैं समझाता हूं। आज पुलिस की वर्दी पहनकर जो चॉकलेट का डिब्बा तुम खाने की कोशिश कर रहे थे, वो चॉकलेट का डिब्बा तुम्हारे लिए कल जहर का डिब्बा बन सकता है। और तुम्हें जहर खाते देख ना मां बर्दाश्त कर सकती है और ना ही मैं। अरे भैया, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया भैया। ना ही तुम करोगे। भैया अपनी कसम मत देना। आपको मेरी कसम, मेरे सर की कसम, मेरा मरा वो मुंह देखोगे। कसम नहीं, कसम नहीं, कसम नहीं। इडियट। मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन।